Hi everyone, welcome to my channel Grace and Glow. This is Manjula Singh, your beauty expert. और winter season चल रहे हैं तो मैंने सोचा क्यों ना अभी भी अब इस winter season के ही DIY remedies को maintain किया जाए. तो आज मैंने सोचा है कि मैं कैसा DIY lip scrub और lip stain बताऊंगी जो आपके lips को baby soft और baby pink करेगा मेरे इस teddy की तरह. ना सिर्फ लिप को करेगा बल्कि आपके चीक्स भी सॉफ्ट हो जाएंगे, पिंक हो जाएंगे. वो एक सिंपल इंग्रेडिएंट है जो विंटर्स में ही मिलता है और बीटरूट से हम ये क्रिएट करेंगे. सबसे पहले मैं बता दूं लिप स्टेन कैसे बनाना है. इसको 2 टीस्पून हम बीटरूट का जूस लेंगे. बीटरूट का जूस निकालना बहुत ही आसान है. सबसे पहले आप बीटरूट को पील कर लीजिए, उसको ग्रेट कर लीजिए और स्क्वीज करके उसका जूस निकाल लीजिए. इट्स वेरी सिंपल. और उसके बाद इसी बीटरूट के जूस में हम 1 टीस्पून फुल कोकोनट ऑयल डालेंगे, एलोवेरा जेल डालेंगे वो भी 1/2 टीस्पून और विटामिन ई की 1 कैप्सूल लेकर उसका अंदर का जेल निकाल लेंगे, वो मिक्स करेंगे. और लास्ट में जिससे कि एक्चुअली ये बाम बनता है, ये हम वैसलीन लेंगे ऑलमोस्ट इतना. और इन्हें अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. कोकोनट ऑयल वैसे भी उसमें थिकन होने की प्रॉपर्टीज होती हैं, वो थिक हो जाएगा और इसको अच्छी तरह से जब हम मिक्स करेंगे वैसलीन में ये प्रॉपरली ब्लेंड हो जाना चाहिए. इसको इतनी देर तक मिक्स करेंगे कि ये दोनों एक जेल लाइक कंसिस्टेंसी बन जाएगी. इसके बाद इसको हम फ्रीजर में डाल देंगे. अब इस लिप बाम को हम एक छोटे से क्यूब से कंटेनर में इस तरह से डाल के रख देंगे. इसको यूज़ करना भी बहुत आसान है. थोड़ा सा लीजिए लिप्स पे, देखिए इसका कितना ब्यूटीफुल कलर आ रहा है. ओवरनाइट लगने के बाद ये आपके लिप पे स्टेन छोड़ देगा और वही धीरे धीरे पिंकिश कलर में चेंज हो जाएगा. देखिए पिंकिश ग्लो सीरम बनाने के लिए भी हमें चाहिए 2 टीस्पून बीटरूट जूस मैंने ले लिया है. उसमें हम ऐड करेंगे एलोवेरा जेल. ये एक्चुअली इसका बेस है. एलोवेरा जेल से ही इसकी सीरम लाइक कंसिस्टेंसी आएगी. विटामिन ई के एटलीस्ट 3 कैप्सूल्स, 1 टीस्पून गुलाब जल, रोज वाटर, थोड़ा सा ग्लिसरीन. अगर आपकी स्किन बहुत ही ड्राई है तो ग्लिसरीन यूज़ कीजिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर सकते हैं. 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल या फिर स्वीट आलमंड ऑयल भी इसकी जगह पर ले सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे. इसका बेस बनाएंगे हम कॉर्न स्टार्च से. 1 फुल टीस्पून कॉर्न स्टार्च का डालेंगे जिससे इसमें एक थिकनेस आएगी, इसमें बॉडी आएगी. अब मैं बता दूं कि कॉर्न स्टार्च मैंने क्यों डाला है ये आप सोच रहे होंगे. तो कॉर्न स्टार्च बहुत सारे कॉस्मेटिक्स में बेस के लिए यूज़ किया जाता है. इसका एज सच कोई अलग से फंक्शन नहीं है या फिर इसके बेनिफिट यही हैं कि ये सबको बाइंड करके एक साथ एक परफेक्ट सीरम लाइक कंसिस्टेंसी देता है. तो ये आपका कुछ इस तरह से दिखेगा. ये आपका पिंकिश ग्लो सीरम रेडी है. इसको लगाना किस तरह से, थोड़ा सा हाथ में लीजिए और उसको पूरे फेस पे देखिए कितना लाइट है, कितना इजीली स्प्रेड हो रहा है. इसको लगाना बहुत ही आसान है. एवरी नाइट आपको फेस पे लगाना है फेस वॉश करने के बाद और पूरी रात इसको लगा कर रखना है. अच्छी तरह से इसको ब्लेंड कर देना है स्किन में. ये पिंक भी हो गया है, ग्लो भी आ रहा है और ये स्मूथ. ये रेडी हो गया आपका लिप बाम और साथ ही साथ ग्लो सीरम जिससे आपके चीक्स भी पिंक हो जाएंगे, सॉफ्ट हो जाएंगे, सपल हो जाएंगे. तो इन दोनों का इस्तेमाल कैसे करना है वो भी मैंने बता दिया. लेकिन लिप बाम को आप जब भी इस्तेमाल कीजिए उसके पहले स्क्रबिंग करना नहीं भूलना है. स्क्रब करना है शुगर और थोड़ा सा हनी लेकर. जाते जाते टिप देते जाती हूँ, अगर आपको थिकर आईब्रोज चाहिए तो एक छोटा सा DIY कीजिए. 1 स्पून ऑलिव ऑयल, 1 स्पून विटामिन ई ऑयल और 1 स्पून कैस्टर ऑयल को मिक्स कीजिए. एवरी नाइट उसको अपने आईब्रोज पे अप्लाई कीजिए और सुबह जैसे आप फेस वॉश करते हैं वॉश कर लीजिए. आपके आईब्रोज 10 से 15 दिन में थिक हो जाएंगे. थैंक यू फॉर वॉचिंग. सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियोज. टेक केयर एंड बाय बाय.